सुता मम्मी तो आराम गेट बंद कर। मैं तो सोचा के नहीं हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। खम्मा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के दिन हम गोवर्धन की पूजा करेंगे बासी, मतलब फिर मुझे घर भी जाना है रामा श्यामा के लिए। वो फटाफट पूजा कर लेते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गोवर्धन। तो अब मैं नहा तो के फिर पूजा पाठ करते ही मैं डायरेक्ट नहाने चली गई थी। काम कुछ था नहीं, वो मम्मी ने बना ली थी आज रोटी, कुछ ज्यादा काम था नहीं इसलिए। और मुझे जाना है आज घर पे रामा श्यामा के लिए। अरे वाह, घूमी घूमी जाएगा ना, अभी चलेंगे। क्या शानदार काजल डाला है ना, दिखाओ। और ये हमारे भाभी सा, ये भी रामा श्यामा के लिए आए। चलो चले दीवा, चले क्या? ये अपने पापा को देख रही कि वो जा रहे हैं ना, निकल रहे हैं। ये देखो ये निकल रहे हैं, इसलिए रीवा चले। रीवा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चले। अरे वाह मेरा बेटा चलेगा। हाँ तो फाइनली मैं घर पे आ गई और मम्मी चाय बन रही है। सियारा मम्मी सुता मम्मी तो आराम हूँ गेट बंद कर। मैं तो सोचा कि ना ये बोला कि फोन करके ना एक बार पूछ तो लग है कोनी गरम, मतलब कोई हो लो कोनी, मम्मी तो ला दी जाए ली। सुता आराम हूँ इतना मोड़ा खाओ रोटी लेट खाओगे, आदत पड़गी वार उधर दी की। सही है। आ देखो माँ का आता ही शुरू हो गई। रीवा तो बस जाने की तैयारी। चले रीवा चले घर पे, नानी को बाय बाय कर दो। चलो अपन घर चलते हैं। रीवा बाय बाय, पापा को बाय बाय कर दी। तो अभी मैं घर पे आ गई थी और फिर भी और कहीं घर जाके आए थे। अभी एकदम से नरपत भैया, आरती बाबिसा, ये सब बच्चे आए हैं। तो ये आरती बाबिसा चाय पी रहे हैं। और ये क्या था, ये देखो हमारे खाने की तैयारी। क्योंकि नरपत भैया आते ही, कोई अब की बार कब आए, पहले बहुत दिवाली पे आए थे और अभी नेक्स्ट दिवाली पे ही आए हैं, आते ही नहीं है। तो मम्मी ने सोचा अभी शाम को आए तो खाना खा के ही भेजेंगे। मम्मी उनकी पसंद की चीज़ बना रही है, मतलब उनके पसंद का खाना बना रही है। उनको देसी खाना पसंद है तो वो ही बना रही है, काचरी की चटनी और एक काचरी की सब्जी और बाजरे की रोटी, वो उनको पसंद है वही बना रहे हैं। मम्मी बोले यहाँ तो आवा को नहीं बना, यहाँ अब आया है तो खाना खा रही भेजला। तो देखो मैं दिखाती हूँ प्रिपरेशन कर। तो ये काचरी मैंने काट ही दी थी, ये सैलेड काट रही हूँ मैं। और ये मम्मी हमारे काचरी की सब्जी बना रहे हैं, चटनी बनाई थी। ये देखो हमारे काचरी की चटनी बनाई थी मम्मी ने फटाफट। और आज हमारी ये अन्नकूट आया है, तो ये मम्मी बना रहे हैं बाजरे की रोटी। भैया भी आ गए, भैया को भी बुला लिया, बोले यार उनको भी बुला लो। मम्मी ने फ़ोन करके उनको ज़बरदस्ती भैया को भी बुला लिया कि आप भी आ जाओ, नरपत भैया तो खा ही रहे हैं, आप भी साथ में जीम लो उनके भी। ये देखो मम्मी अब देखो क्या स्टाइल से बनाएंगे। ऐसे यार हमसे तो टूट जाती है। ये देखो एकदम परफेक्ट गोल्ड रोटी बनी है और ये तवे पे बन रही है। और ये मैंने थाल परोस दिया, ये चटनी,
ये कैरी का अचार, ये लहसुन का अचार, ये नींबू का अचार और ये मिठाई। और अभी जो कांचे की सब्जी है मैं थोड़ी लेट डालूंगी क्योंकि वो क्या ठंडी हो जाएगी इसलिए। तो कैसा बना खाना? बहुत शानदार, एक नंबर। मैंने नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया सारा। बहुत टेस्टी है। बाजरी साइड में से चूर लो, तो ये लेडीज की चर्चा हो रही है, तो ये जाने की तैयारी हो रही है खाना खाने के बाद। और ये पियू, तू क्या बैठ गई, गोड्डा धूप लगा की हम में कोई हल हल बुआया कि था वो जो आ है जो आ नींद में भूत होगी। इतना खिलाया आपने उसके पक्के, थैंक्स। खाते खाते इतना अच्छा खाना, और थैंक यू कन्नू, इतना खिला दिया कि मतलब थैंक यू दादी से। मी टू, थैंक यू बोल, थैंक यू एवरीवन। ओह माय गॉड, गड़ा गड़ा ही आ गई कि तो यहीं पे खाना और इतना प्यार। अब मैंने खाना वाना उस टाइम खाई लिया था आरती बाबी के साथ ही, और वो चले गए हैं। अब मैं काम कर कुरा के एकदम फ्री हो चुकी हूँ। अब है सोने की तैयारी, रीवा भी सो चुकी है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो वीडियो में बने रहिएगा, गुड नाइट, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कम ऑन। आज है भाई दूज, भाइयों का त्यौहार। तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी भाई दूज, मेरे सभी भाइयों को, स्पेशली मेरे भाइयों को, सबको हैप्पी भाई दूज। और आज मैंने बुलाया चेतन को खाने पे, मेरे धर्म का भाई है। भैया और नरपत भैया को तो कल मैंने खाना खिला ही दिया था क्योंकि कल वो रामा श्यामा के लिए आए थे नरपत भैया, तो उनकी स्पेशल, उनकी फेवरेट बाजरे की रोटी चटनी बनाई थी, तो मैंने भैया को भी बुला ही लिया था। हम लोग एक साथ ही खिला देते हैं दोनों को, क्योंकि आज भाई दूज के दिन आ नहीं पाते, कल आए थे तो मैंने साथ के साथ में उनको खिला ही दिया था। और आज चेतन स्कूल जा रहा है जल्दी, तो वो सुबह जल्दी आ गया, मैंने फटाफट खाना बनाया था उसके लिए, छोले की सब्ज़ी और पूड़ी और खीर बनाई थी। और चलो मिलाती हूँ। तो ये है मेरा भाई चेतन। ठीक है ना, ध्यान से जाना। अरे ये भाई जा रहा है मेरा। रीवा, ये देखो इसकी दादी सा ने अभी अभी जस्ट इसके मालिश की थी। रीवा सीत, राधे राधे कर दो एक बार। और किचन के काम से तो मैं एकदम फ्री हो गई। भाई भाई चला ही गया था उसका। और मुझे एक बात और बतानी थी कि है ना, वैसे कमेंट्स आए, कईयों के कमेंट्स आए थे कि है ना, रीवा के फेस पे क्या लगाते हो कि थोड़ा सा ग्लो करता है, और मतलब ग्लोइंग स्किन के लिए मैं भी बता ही देती हूँ बच्चों के लिए कि हमें हमारे बच्चों के लिए सर्दियों में क्या लगाना चाहिए। वैसे हम क्रीम लगाते हैं, कोई क्या लगाता है, कोई क्या, मैं सर्दियों में रीवा के क्रीम नहीं लगाती हूँ। मैं ओनली रीवा के मलाई, फ्रेश मलाई और गुलाब जल उसमें मिक्स करके और फिर फेस पे अच्छे से मसाज करते हैं मॉर्निंग में जब वो उठती है एक तब, और नहाने के बाद हल्की सी, और रात को सोते टाइम। इससे क्या है, स्किन ड्राई नहीं होती है और ग्लोइंग भी रहती है बच्चों के। इस टाइम क्या बहुत ही सेंसिटिव है ये हमारे बच्चों की स्किन, और उससे क्या होता है कि चमड़ी है ना, मतलब ठंड में ना एकदम रूखी रूखी सी हो जाती है, एकदम ड्राई ड्राई सी हो जाती है। और बच्चों के लिए ये टिप नहीं है, आप बड़े भी यूज़ कर सकते हैं रात को सोते टाइम। मतलब अगर किसी की ड्राई स्किन, अब देखो फट तो सबके जाते हैं, हाथ भी फट जाते हैं, हमारे पैर भी फट जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ओनली फेस ही नहीं, आप अच्छे से हाथ पैर धो लीजिए और फेस वॉश भी कर लीजिए, और फिर रात को सोते टाइम गुलाब जल में ये मिक्स करके मलाई को, और फिर अच्छे से हाथ पैरों पे, मुंह पे अच्छे से मसाज करके सो जाइए। स्किन भी एकदम हाइड्रेट, मतलब सूखी सूखी नहीं होती, गाल भी नहीं फटते बच्चों। और अब मैं खाना खा रही हूँ जिसमें मैंने बनाया आलू छोले की सब्जी, और ये चटनी काचरी की जो रात को बनी थी, और ये काचरी की सब्जी और पूड़ी।
हैप्पी बाय दूज। बोल बोल मम्मा। पापा। 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 बेटी बोलो मम्मा। मम्मा ये दादा बोल देगी ये ना मम्मी नहीं बोलेगी। पापा। नहीं मम्मा। मम्मा। दादा। और अब शाम के 7:30 बज गए और मैं बना रही हूँ खाना। 7:30 रीवा के लिए बना रही हूँ ओट्स। थोड़ा सा लाइट ही बनाती हूँ क्योंकि उसके क्या पेट में दर्द होने लग जाता है रात को अगर थोड़ा हैवी खिला देती हूँ तो, इसलिए कभी खिचड़ी कभी दलिया कभी ओट्स कभी रागी का हलवा ये बना के खिला देती हूँ उसको। और एक तरफ मैं रोटी छोंकूँगी थोड़ी बहुत सुबह की या फिर वैसे रात की भी थोड़ी बहुत कल, तो इसलिए उनको छोंक लेते हैं। वेस्ट नहीं करना चाहिए, अनमहाराज का अपमान। गाय को भी दे देते हैं और बहुत सारी थी तो इसलिए हम छोंक लेते हैं उन रोटियों को। तो मैं रीवा के लिए कुछ भी बनाती हूँ या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको बताने लायक होती है मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं अभी सर्दियों के लिए एक तेल बनाते हैं मम्मी, ये वाला तेल है, ये तिल्ली का तेल है और उसके अंदर मम्मी ने लौंग और लहसुन डाला है। इसको अच्छे से उकाड़ लिया, ब्लैक ब्लैक हो गया देखो लहसुन पूरा अच्छे से, और इससे रात को मसाज करेंगे जिससे जुकाम नहीं लगेगी रात को। तो ये है हमारा सीक्रेट और इसको बॉटल में भर के रख लेंगे, पूरी सर्दियाँ यही चले। अब इसको क्या है कि बॉटल में भर के रख लेंगे ठंडा करके, फिर पूरी सर्दी ये चलेगा रीवा के। इससे क्या है बॉडी में गर्माहट रहती है, ठंड नहीं लगती है, बच्चों को जुकाम नहीं लगती, मतलब मोस्टली जगह क्या होती है, एक तो ये बच्चों के सीने पे और हाथ पैरों पे भी इसमें मसाज करके अच्छे से सुला दो रात को, तो अगर ठंड ज़्यादा हो या फिर उगड़ भी जाते हैं बच्चे देखो मतलब एकदम ओढ़ के नहीं सोते हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हैं ये तेल लगा देंगे तो गर्माहट रहती है इससे और ठंड भी नहीं लगेगी, जुकाम भी नहीं रहती है। आप ट्राई कर सकते हैं, बट एक बार थोड़ा सा क्या है कि कई बार बच्चों की सेंसिटिव स्किन होती है। मैं रीवा के तो लगाती हूँ बचपन से ही, वो छोटी सी थी तब भी स्टार्टिंग से लगा रही हूँ, बट एक बार आप अपनी बच्चों की थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, क्या पता है बच्चों के इन स्किन में या फिर रैशेज ना हो जाए या फिर। तो एक बार तो अब हमारा खाना पीना हो गया है, रात के 11:30 बज गई है। रोज ही यार 11:30 बज जाती है, सोते 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 11:30 रीवा को खिलाना पिलाना फिर उसको मालिश करती हैं सुलाना, 11:30 या 12 ही बज जाते हैं। तो वो सो चुकी है, मैं आ गई हूँ अपने रूम में सोने के लिए। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का ये मेरा ये ब्लॉग आप कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ओके टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।